तुमने वो मूवी में उसकी ड्रेसेस देखे, कितने अच्छे थे। तुम मुझे दिलाने वाले हो ना, प्लीज। ओके ओके। और तुमने लास्ट टाइम वो मूवी भी नहीं दिखा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? प्रसन्न ऑफिस पहुंच गए और क्या? पूरा ऑफिस खाली तो पड़ा है लगभग। ट्रेनिंग का बहाना देखकर भाग गए सबके सब मना ले। और इस नई बॉस ने सारा काम हमारे सिरदर्दी छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ कि काम वाम छोड़ो और हम भी कहीं घूमने चलते हैं, बोलो। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम अपने क्यूबिकल की तरफ और मैं अपने। देखो आज ऑफिस में बहुत काम है, ज्यादा रोमांटिक मत बनो, समझे? चलो बाय। सुनो ना बीना, अरे सुनो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय प्रसन्ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्यों? बाकी के सारे दिन भूत लगती हूँ क्या? नो आई मीन ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सीनियर हूँ तुम्हारी, अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी मैम। यू बेटर बी। लो सुबह सुबह शुरू होगी। आप भी ना, क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? अरे गलती होगी बाबा, आज के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। कितना के तैयार हो रहे हो? ऑफिस में कोई ब्यूटी पेजेंट है क्या आज? चलो हरी अप। बाबू दो कॉफी लेके ना हमारे लिए। हाँ लाता हूँ। साहब कॉफी कैसी बनी? गुड, बहुत अच्छी है। साहब सैलरी बढ़ नहीं रही, पता नहीं कब बढ़ेगी। सब्र रखो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। आपकी तो मजा है, कोशिश करते हैं। ओके बाबू कॉफी लेके आना। हाँ आया, आता हूँ साहब। ओके थैंक यू।
जूनियर मैनेजर। मेकअप तो देखो मैडम का, इससे अच्छा ब्रांड तो मेरी बाई के पास है। चीप। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। और ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। मालती मैडम को चाय देखे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नाटक मत करो भैया, कल मैं गया था ना, आज तुम्हारी बारी है, जा देखे आओ। अरे वो देख, उसका मुंह देख, पूरा खून से भरा है, पता नहीं क्या करके आई है। मैं नहीं जाऊंगा। निशा, मेरे पर्स कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद मैं अंदर ही भूल के आ गई। लेके आती हूँ मैं। मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपका पूरा का पूरा मुंह खून से लथपथ था। सही कह रहा है ये, मैंने भी देखा था। मेरे पास तुम्हारे इस फालतू ड्रामे के लिए कोई टाइम नहीं, चलो काम पर लगो। सही सही बता दीजिए क्या हुआ है बीना को, अगर इनकी बात सच्ची निकली ना मैं आपको। How dare you speak to Bilal? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे से बात करने की? आखिरी बार कह रही हूँ, गेट बैक टू योर वर्क राइट नाउ। क्या हो रहा है यहाँ? ये है हमारे नए बॉस। आज से मैं आप लोगों की नई मैनेजर।
आई एम श्योर हेड ऑफिस से मेरे बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पे कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है जो सब अपना काम छोड़कर यहाँ पर है? मैडम, मैंने मैंने अभी हमारी कॉलिक बीना की बॉडी देखी है। What? उसकी उसकी गर्दन पे किसी की दांतों के काटने की निशान थी और हम सबको लग रहा है ये मालती मैडम ने किया होगा। मालती? कौन है ये मालती? One second. I'm really confused. क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, और कहाँ है बॉडी? उसकी बॉडी रेस्टरूम पे है। चलो दिखाओ। आइए। स्टॉप। मेरे साथ कोई नहीं आएगा। दिमाग खराब हो गया सबका। आइए मैं। ये कहाँ गई तुम्हारी बीना की डेड बॉडी? मैम, यहीं पर थी। यहीं पर थी? ओह, तो कहाँ, गायब हो गई या चल के चली गई? बोलो। मैम, प्लीज। शट द नॉनसेंस। मैम, ये प्रैंक करने का आइडिया किसका था? मैडम, ये प्रैंक नहीं है। मैंने सच में देखा तो बीना को वहाँ। रियली? तो उसकी बॉडी अचानक कहाँ गायब हो गई? हाँ, यू थिंक दिस इज फनी? हाँ, देखो, हम यहाँ एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए माफ कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम ये नॉनसेंस नहीं चलेगा। डोंट मेस विद मी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। बेटर। परफ्यूम लगाते हैं स्वेता मैम। ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूँ। आज जो तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। वेट एंड वॉच। नाउ काइंडली मूव। सुनो। हाँ। मालती मैडम से ना रात दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ। खतरनाक तो वो पहले से भी थी, अब तो जानलेवा भी हो गई है। अरे ये जो श्वेता मैडम है ना, अरे जो नई मैडम आई है, ये भी कुछ कम नहीं है। अभी चाय लेके गया था, पूरा रूम एकदम ठंडा। अरे लोग तो परफ्यूम छिड़कते हैं, ये तो ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे बाल्टी पर नहा करके आई है। बाय, ठीक है। ओके। चलो प्रसन्ना, लेट्स गो। यार सुबह से बीना को फोन कर रहा हूं पर वो फोन ही नहीं उठा रही। और सुबह उसने खुद मुझसे कहा था कि ऑफिस में उसे आज बहुत सारा काम है, पर इस तरह बिना बताए क्यों निकलेगी वो? आई एम टेलिंग, कुछ गड़बड़ है। यू आर राइट। कोई माने ना माने, मैं जानती हूं मैंने क्या देखा है। अभी भी बीना का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा पा रहा है, और ये सब उस मालती की वजह से। I'm telling you guys, we need to be careful. हमें संभाल के रहना होगा। Excuse me. Bye ma'am. मैम, बिना का फोन भी नहीं लग रहा है और उसकी बोरी मैंने देख। जस्ट स्टॉप इट, नॉट अगेन यार। मैं सच बोल रही हूँ मैम, प्लीज। उस मालती ने ही बिना का खून किया है, मुझे पता है। मैं बदतमीजी है रिचा, मैं कुछ बोल नहीं तो तुम सुबह से बकवास ही करने जा रही हो, हद होती है। काम डाउन मालती, जस्ट काम। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने बीना के बारे में हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ से पता चला कि वो यहाँ खुश नहीं थी, उसे अपने काम से और ऑफिस कलीग से प्रॉब्लम थी। हो सकता है इसी वजह से वो बिना बताए यहाँ से चली गई। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि वो ऑफिस ही गई होगी। सो रिचा, प्लीज इन सब बातों में ध्यान मत दो और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। एंड यू मालती,
मुझे कल सुबह तक सीके टेक्सटाइल की रिपोर्ट मेरे डेस्क पे चाहिए। या बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट इवनिंग। सुन लिया तुमने, मुझे आज रात तक सीके टेक्सटाइल की रिपोर्ट चाहिए। व्हाट? पर मैं अभी निकल रही थी। कहाँ? पुलिस स्टेशन। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहां बैठ के रिपोर्ट तैयार करो। सिर्फ सुबह से बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम। दिस इज जस्ट डिस्गस्टिंग एटीट्यूड। डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ आई हैव। अब तो कोई खबर नहीं, और आज प्रसन्ना भी ऑफिस नहीं आया। आई होप ही इज ऑल राइट। बात हुई थी आज, बहुत परेशान है बेचारा वीना को लेके। आज हेड ऑफिस गया है पूछताछ करने के। पता नहीं रिचा कहाँ गायब है, सुबह से फोन ही नहीं उठा रही है। रेस्ट कर रही होगी बेचारी, सुना कल मालती ने जबरदस्ती ओवरटाइम करवाया उससे। हद है, ये मालती कम थी जो श्वेता नाम की दूसरी हिटलर भी आ गई ऑफिस में। Don't try to defend her. माना कि वो खूबसूरत खूबसूरत है, पर attitude देखा है उसका? लगता है manager नहीं, महारानी है यहाँ। हेलो मैम, लंच कीजिए ना हमारे साथ प्लीज। नो थैंक्स, वैसे भी ये बहुत बोरिंग लग रहा है। आई हैव अ बेटर टेस्ट। एंजॉय योर लंच। ये बदबू कैसी? पता नहीं। मालती,
तुमने अभी तक मुझे सीके टेक्सटाइल्स की रिपोर्ट नहीं दी। एक्चुअली मैंने ऋचा को बोला था प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, पर वो कल रात से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही। आई थिंक इट्स हाईली इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। मालती मुझे बहाने मत दो, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। 15 मिनट में मुझे सीके टेक्सटाइल की रिपोर्ट मेरे डेस्क पे चाहिए। एनी डाउट्स? नो। ग्रेट। निशा, मुझे अगर तुम्हारी ऋचा की वजह से कुछ सुनना पड़ा ना तो तुम्हारी खैर नहीं, एंड नॉट ओनली यू, तुम सबकी खैर नहीं। मैंने उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, शी मस्ट हैव केप्ट इट इन द स्टेशनरी रूम। जाओ, गो गेट इट। ठीक है मैम। राइट नाउ, फास्ट। मैडम जल्दी से ओरिशा मैडम को बुला लीजिए। अरे ये मालती मैडम तो हाई डेंजर, और वो श्वेता मैडम तो टॉप है। अरे मुझे अपने कैबिन में बुला के फुल एसी ऑन करके मुझे डांटती रहती है। जाइए ना। निशा बोल रही हूँ, ऋचा घर पर है क्या? नहीं, ऋचा तो कल रात से ही घर पे नहीं आई। क्या, तो फिर गई कहाँ? एक्सक्यूज मी मैम। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैनेज नाम की चीज है या नहीं तुम्हें? अपने बॉस के केबिन में कोई बिना लॉक किए आता है क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं सिर्फ आपको बताने आई थी कि मैंने निशा को स्टेशनरी रूम से रिपोर्ट लाने को बोला है, क्योंकि ऋचा तो आई नहीं है। सो डोंट गिव मी दैट क्रैप। वो रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, ऋचा को नहीं। सारी परफ्यूम क्यों छिड़क रही हैं? तुम्हें इससे मतलब? काव्या एक बात बताओ, उसके कोई दोस्त या कोई जान पहचान के लोग जिनके यहाँ वो गई हो? पता नहीं, लेकिन मैं पता करके बताती हूँ। हाँ प्लीज डू, और जैसे ही कुछ पता चलता है प्लीज मुझे बताना। थैंक्स, बाय। बहाने मत दो, गेट मी दैट रिपोर्ट राइट नाउ। कहीं से बदबू आ रही है ना? बदबू? व्हाट? लिसन, डोंट चेंज द टॉपिक। हाँ नहीं नहीं, यहाँ कहीं स्मेल आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल। कहीं से आ रही है? मैं दैट एलमिरा, मैं चेक करके आती हूँ। Stop it, Malti. I have to check. I said stop it. I am your boss and follow my instructions. I said get the damn report. Nay, I have to check. Malti, get me the report. No, ma'am, I have to check. गलती हो गई। इट्स ओके बाबू,
बाबू तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। दिखाओ अपना हाथ। ओह माय गॉड, तुम्हारी शर्ट। अच्छा जाओ जाओ इसे ठीक कर लो। हाँ मैडम, मैं दूसरी चाय ले आता मैडम। That's all right. संजय, how are you doing? I'm good. रिचा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। अच्छा पता चले तो मुझे बताना, ओके? Sure. नया ड्रामा शुरू किया है तुम लोगों ने? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ काम करने में इंटरेस्ट है भी या नहीं? हाँ श्वेता मैडम, मैंने आपकी लाश देखी थी अंदर। What? What nonsense is this? Are you out of your mind? आपका दिमाग खराब हो गया? यहाँ से जाओ और मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। मैंने कहा जाओ। And Sanjay, you, how could you trust them, huh? Unbelievable. Sanjay sir, मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने देखा था। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? Sanjay sir, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा था श्वेता मैडम की लाश। पहले बीना, उसके बाद रिचा, पर अब दोपहर से निशा भी नहीं दिख रही है और मालती भी डर डर के भाग गई। ये हो क्या रहा है? सब कहां गायब हो रहे? स्मेल तो ठीक है। हाँ तो दोपहर में वो बदबू कहां से आ रही थी? तो गड़बड़ है संजय। यस मैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसे क्रॉस चेक करके मेरे डेस्क पे रख देना, मैं कल चेक कर लूंगी। ओके मैम। या नो डिलेज, ऑन टाइम, राइट? ग्रेट। बीना की बॉडी देखी है, उसकी गर्दन पे किसी की दांतों की काटने की निशान थी। ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूं। आज जो तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूं। संजय सर, संजय सर, मैंने वहां पे श्वेता मैडम की लाश देखी है। What? और अभी-अभी वहां से मालती मैडम निकली है। एंड संजय यू, हाउ कुड यू ट्रस्ट देम? हाउ अनबिलीवेबल। We'll be right back.
मालती मैम, निशा, अज्ञा कहाँ है तू? मैं यहाँ स्टेशनरी रूम में, तुम लोग कहाँ? बेटा मैम है कि गई? वो यहाँ पे नहीं है, वो गई है। तो एक काम कर, अपने क्यूबिकल पे आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर 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 अभी मैंने स्टेशनरी रूम में निशा और मालती की लाश देखी। व्हाट सर? सर हम ये सोच रहे थे ये सब मालती कर रही है, लेकिन अभी ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। हम जानते हैं ये कौन कर रहा है। कौन? इस ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले श्वेता मैम की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्या बकवास कर रहा है? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले श्वेता मैम को ऑफिस में देखा था। सच कह रहा हूँ मैं, तुम सच कह रहा है। मैं हेड ऑफिस हूँ और वहां पर हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं हो रहा। ये देखो तो न्यूज़पेपर में छपी एक खबर को देखो। श्वेता मेरी जूनियर थी और उसके लिए उसकी खूबसूरती उसके लिए सब कुछ थी, और शायद यही वजह है कि अपनी मौत के बाद भी अपनी खूबसूरती के मुंह से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इसके पहले कि वो और किसी को मारे, हमें उसकी बॉडी को ढूंढ कर उसे जलाना होगा, जल्द से जल्द। बिल्कुल, क्विक फास्ट, जल्दी आओ। यार ये रूम इतना ठंडा क्यों है? ये तो काफी ठंडा है। इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? शायद इसीलिए वो इतना परफ्यूम लगाती थी और एसी को फुल ठंडा रखती। ये बदबू इस अलमारी में से तो नहीं आ रही? चलो चल के देखते हैं। अक्सर कहा करती थी कि वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहेगी, लेकिन वो इस हद तक जाएगी मुझे इस बात का यकीन नहीं था। शायद इसीलिए वो मरने के बाद भी सबको मार रही है ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे। एक काम करो, तुम दूर जाओ और श्वेता की बॉडी को ढूंढो। मैं तब तक जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। गाओ किक जल्दी। अभी तक यहाँ हो? इतना लेट यहाँ क्या कर रहे हो? एनीवे, दोनों मेरे कैबिन में आ जाओ।
यहाँ तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैं खूबसूरत ही हूँ और हमेशा रहूंगी। क्या करोगे ऐसी खूबसूरती का जब तुम्हारे पास ये शरीर ही नहीं रहा? तो तुम मर चुकी हो श्वेता, तुम मर चुकी हो। अब तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करने का वक्त आ गया है। नहीं, काफी नहीं, नहीं। नेना सर, चलो वहां से, तो चलो वहां से सर, चलो। इसके पहले कि वो और किसी को मारे, हमें उसकी बॉडी को ढूंढकर उसे जलाना होगा, जल्द से जल्द। बहुत परेशान किया है तूने मुझे। बाबू, जल्दी से केरोसिन और माचिस लेके आ जा, जल्दी। बाबू, बाबू वो कचरा ले, जल्दी गाली दर बोलना चलेगी नहीं, जल्दी ला, जल्दी। माचिस, माचिस। चलाऊंगा नहीं, चला दिया। अच्छा हुआ यार, बच गए हम लोग।
बचे नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। आओ मेरे केबिन में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.